से बेल बजी है और इसी के साथ मार्केट भी ओपन हो चुका है 55 पॉइंट नीचे निफ्टी, इनफैक्ट अब 74 पॉइंट्स नीचे शुरुआती हैं। टिक्स थोड़ा सा समय दे देते हैं इसे, लेकिन हाँ 70 अंकों की गिरावट निफ्टी पर है और निफ्टी बैंक की हम बात कर रहे थे, ये भी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे इस समय, 176 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी बैंक है। सेंसेक्स 222 पॉइंट नीचे। एक बार देख लेते हैं जो लूजर्स हैं इसमें, HDFC लिमिटेड 1% नीचे है, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक, ये काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। एक बार ICICI को देखते हैं, यहां पर इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं कुछ एक ब्रोकरेजेस की वो बड़ी एनकरेजिंग है। ये हरे निशान में है, लेकिन इंडसइंड बैंक आज का टॉप गेनर और ये करीब 1.5% ऊपर है। RBI ने LIC को मंजूरी दी है यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, साथ ही सिप्ला, ITC, M&M, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, ये 17,420 के आसपास का जो लेवल है वो देखना होगा हमें कि यहाँ पर होल्ड करता है या नहीं, क्योंकि ओपनिंग डेफिनेटली थोड़ी सी प्रेशर में हुई है। प्रेशर जो निफ्टी पर बन रहा है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्पेस से भी दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखिए इस वक्त 200 से ज्यादा अंकों की इस वक्त गिरावट है। इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और फेडरल बैंक को छोड़ते तो सारे बैंक आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। इंडसइंड बैंक टॉप गेनर इस वक्त निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी से भी। इसके अलावा ICICI बैंक एक बुलिश ट्रेंड में हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं और वहां पर अभी भी वो रुझान बना हुआ है। लेकिन अगर आप निफ्टी काउंटर्स की बात करें तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा जो गिरावट, जो डेंट दिख रहा है वो बैंकिंग स्पेस से दिखाई दे रहा है और ऑटो स्पेस से दिखाई दे रहा है। ऑटो स्पेस हमने देखा एक ट्रेंड में थे, पीछे 2 दिन में अच्छी रैली भी थी, लेकिन मारुति सुजुकी ने इस रैली में पार्टिसिपेट पहले भी नहीं किया और आज भी वहां से दबाव दिख रहा है। लेकिन EV स्टोरी के साथ चलते हुए दूसरे काउंटर्स, वहां जरूर मोमेंटम था, लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। SBI भी आपको आज दबाव में दिखाई देगा। सीमेंट काउंटर्स, अगर आप सिर्फ कौन से काउंटर्स पॉजिटिव है इनकी बात करें तो जो न्यूज ड्रिवन काउंटर्स है वहीं पर आपको एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ICICI बैंक, ITC विद एनालिस्ट मीट की न्यूज के बाद से ही ये बसिंग है। कल से लेकर आज तक में इसमें लगभग 6% से ज्यादा का मूव देखने को मिल चुका है। इसके अलावा आपको पेन स्टॉक्स में आज स्ट्रेंथ दिखेगी। M&M ऑफ पोस्ट द न्यूज येस्टरडे, उसके बाद से ये आज स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। सिप्ला में एक स्ट्रेंथ दिख रही है, शायद वो भी सबसे बड़ा कोविड पोर्टफोलियो सिप्ला के पास है, उसके बाद ही सन फार्मा। इन काउंटर्स में थोड़ी सी डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी शायद आज सामने देखने को मिल सकती है। अजय, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? देखिए, इंडसइंड बैंक 2% ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है 963 पे। करीब 6 महीने पहले हमने हिंदुजा ग्रुप के मेंबर से बात की थी, निकुंज ने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कॉमेंट्री दी थी कि इसका फेयर वैल्यू कहीं 1600 के आसपास है और दे आर ऑल्सो कीन टू हाइक स्टेक। फिर ET ने 3 दिन पहले हेडलाइन में डाली कि $1.1 बिलियन हिंदुजा ग्रुप तैयार कर रहा है।